हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गायू रानी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे, सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से। जैसा कि आप लोग गाजर के हलवे को देख करके समझ पा रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अलग तरीका है, तो रेसिपी को बिना स्किप के पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी गायू। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गाजर लेंगे। गाजर हम यहाँ पर लाल कलर वाली लेंगे। इस तरह की गाजर आप लेंगे तो आपका जो गाजर का हलवा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हमने अपने गाजर को अच्छी तरीके से छील करके धो लिया है। फिर हमने अपने गाजर को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो बस इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है। तो अब हम लेंगे एक पैन, इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। जब घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपने ग्रेट किए हुए गाजर को। गाजर डालने के बाद इसे हम घी में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम अपने गाजर को अच्छी तरीके से यहाँ पर भूनेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर पर आप गाजर को अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हम घी में इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 कटोरी यहाँ पर क्रश किए हुए नारियल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस तरीके से नारियल का एक बार बुरादा डाल करके देखना, आपका जो गाजर का हलवा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जब हमारा गाजर अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे क्रश किए हुए नारियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों को हम मिक्स करके अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो गाजर का हलवा बनाते वक्त आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, आप अच्छे से इन्हें भुनेंगे। भुन जाने के बाद हम इसमें डालेंगे करीब 1 से 1.5 गिलास दूध। दूध डालने के बाद हम गाजर और दूध को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने गाजर को दूध में पकाएंगे जिससे कि हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस दूध और गाजर को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा करके इसे पकने देंगे जिससे कि आपके गाजर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और पकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस थोड़ी थोड़ी देर पर आप इसे इसी तरीके से चलाते हुए रहेंगे ताकि आपका जो गाजर है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। जब आपका गाजर हल्का सा गल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसे भी आपके जो गाजर का हलवा का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा, आप एक बार इसे डाल करके ज़रूर ट्राई करें। तो बस मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से अपने हलवे में मिक्स कर देंगे और इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए हल्का सा पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ किया है, तो आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो बस चीनी डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब ये हल्का हल्का सा गीला रहेगा तभी हम यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश का यूज़ किया है, अगर आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो भी डाल सकते हो। तो बस ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बबाद अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से 1 चम्मच देसी घी। ये वाला जो स्टेप है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर फॉलो करें। बाद में आप इसमें ऊपर से 1 चम्मच देसी घी जरूर डालें, इससे आपका हलवा का टेस्ट पूरी तरह से बदल जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस 1 चम्मच देसी घी डालने के बाद हम इसे हलवे में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने हलवे को सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी वाली गाजर के हलवे बनाकर तैयार की है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने एक बार भी नहीं बनाया होगा, तो आप इस तरीके से एक बार गाजर का हलवा ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करके आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।